अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मालिक ब्लॉगर टर्की। जी फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अपने अपने घरों में, अपने अपने फैमिलीज के साथ। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। जी तो फ्रेंड्स, आज ये जो आप मंजर देख रहे हैं, ये विया पोर्ट मरीना का है। इसका मैं पहले आपके साथ व्लॉग शेयर कर चुका हूँ, ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये विया पोर्ट मरीना का ये पार्किंग यार्ड है, ओपन पार्किंग यार्ड है। तो बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने मेनटेन किया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये शाम का ये वक्त है, इवनिंग व्यू, और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर लाइटिंग होती है और एटमॉस्फेयर बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत ही खूबसूरत इसको मेंटेन किया गया है। आगे आपको चल के मैं दिखाऊंगा। ये जितना भी एरिया यहाँ पर सारी पार्किंग है, जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए भी पार्किंग है, जो इनके अपने एम्प्लॉज हैं जो यहाँ पर काम करते हैं तो सेम यहाँ पर आके अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये विया पोर्ट मरीना। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर जो है मोस्टली यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, फॉरनर्स आते हैं जो इस जगह का विज़िट करते हैं। बेसिकली तो ये एक पोर्ट है, लेकिन इस पोर्ट के साथ साथ इन लोगों ने यहाँ पर जो है सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, जनरल पब्लिक के लिए एक ऐसा रिजॉर्ट बना दिया कि जो लोग यहाँ पर आए और उनको जो है रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो। तो मुख्तलिफ ब्रांड्स यहाँ पर हैं, जैसे जितनी भी फेमस ब्रांड्स हैं सब के जो है यहाँ पर आउटलेट्स हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये शाम का जो है ये टाइम है। अब जैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है, यहाँ पर लाइटिंग ऑन होती जा रही है, और जैसे आप देख रहे हैं कि इसको कितना ही खूबसूरत मेंटेन किया गया है। इसका पहले मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर चुका हूँ, जो मेरा ईद व्लॉग था, तो ये उसी सेम डे मैंने बनाया था शाम के टाइम, लेकिन पहले मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका क्योंकि वीडियोज़ इतनी बड़ी हो जाती हैं, फिर जो है हार्डली कोई वॉच कर सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं और बड़ा ये जितने भी ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के ऊपर इन्होंने जो लाइटिंग की हुई है और लोग बैठे हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, और बड़ा ही वेल मेंटेन्ड जो ये जो है प्लेस है। तो आप इस वीडियो को देखें, इसको एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप इसको लाइक करते हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ लाइक जो है इसको शेयर करें। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रीज़ के ऊपर भी इन्होंने लाइटिंग की हुई है, और बिल्कुल ऐसे आपको लगता है कि जैसे आप जैसे जन्नत में आ गए, इतना खूबसूरत इन लोगों ने इसको ये बनाया हुआ है। और वैसे भी आपको पता है कि टर्की जो है टूरिज़्म के हवाले से काफ़ी फेमस है, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पर अपना घूमने के लिए। यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये उस्मानिया सल्तनत भी रही है, टर्की जो थी, सुल्तान गाजी जो था, सुल्तान उस्मान गाजी जो था वो टर्की का ही था। तो सल्तनत उस्मानिया तो यहीं से शुरू हुई थी, ठीक है, जिसने फिर पूरे यूरोप पे जो है रूल किया और उसके ऊपर जो है पूरी दुनिया पे सल्तनत उस्मानिया का जो है रूल रहा। तो उसके हवाले से भी लोग यहाँ पर आते हैं, और अर्तुगरुल गाजी की जो है आखिरी आरामगाह, फिर हज़रत अयूब अंसारी का की आखिरी आरामगाह जो सहाबा रसूल भी रहे, तो वो भी यहाँ पर है। फिर उसके बाद जो है ब्लू मस्जिद, जो इसको ब्लू मॉस्क के नाम से जो मशहूर है, वो भी यहीं पर है। इसके अलावा भी जो है तुर्की की अपनी एक हिस्ट्री है, उसका जो है यहाँ पर लोग आते हैं उसको देखने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो पिछले उसमें भी मैंने अपना एक व्लॉग शेयर किया था, जिसमें आपको मैंने तकसीम स्क्वायर जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था। फिर उसके बाद तकसीम स्क्वायर पर जो है गैलरी थी, एक आर्ट गैलरी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो ये देखें आप कितना ही खूबसूरत ये मंज़र है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर शाम का टाइम था, सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, स्टिल जो है यहाँ पर अभी तक इस्तांबुल में जो है सर्दी है। और आज जिस वक्त ये मैं इसकी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इस वक्त भी जो है बाहर बारिश हो रही है। हालांकि आज क्या दिन है, आज चार तारीख है, अब मई की 4 तारीख है, और जो है यहाँ पर स्टिल सर्दी है। और उसके अलावा जो है जैकेट्स वगैरह पहन के हम लोग घूम रहे हैं, और आज जो है बारिश भी थी। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, साथ में उस तरफ समंदर है, और समंदर पे साथ पे फेरीज़ वगैरह चलती हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने जो है उसका मेंटेन किया हुआ है। और उसके लोगों की फैसिलिटेशन जो है इतनी ज़्यादा है कि जो लोग यहाँ पर जो एक दफ़ा आता है उसका फिर बार बार दिल चाहता है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर घूमें और यहाँ पर जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आके इन्जॉय करें। तो आप भी इसको देखें, इस वीडियो को एंजॉय करें, मुझे दें इजाज़त, मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।